कौन जानता है कि यह लौह नकाबपोश व्यक्ति कौन है। केवल यह सुना है कि उसे शाही समर्थन प्राप्त है। पुजारी हर सप्ताह उसे शुद्ध करने में मदद करने के लिए आता है। पुजारी की पैंट में छिपी थी एक लाश। वह एक नया शरीर लाया जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। तब पुजारी ने जेलर को बुलाया, कहा कि वह संक्रमित था और मर गया और फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंत में पुजारी ने यही तरीका अपनाया। लोहे का मुखौटा पहने व्यक्ति को गले लगाएं, नाव पर चढ़ें और निकल जाएं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने मास्क को बंद करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया। यद्यपि उसके चेहरे पर बाल थे, फिर भी वह देख सकता था कि वह एक सुंदर किशोर था। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, उसकी शक्ल के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह और राजा लुई 14 बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। युवा राजा विदांगोवर ने शाही पार्टी का आयोजन किया। फिर एक राक्षस जैसा सुअर जिसके पैरों में कीमती पत्थर हैं। सदस्यों को सुअर के पीछे भागना होगा। उसने राजा की नज़र वेंच लड़की पर पड़ी। फिर उसने उसका रास्ता रोकने के लिए नल का इस्तेमाल किया। वेंच ने कहा कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है, लेकिन राजा ने कहा कि उसके पास एक घड़ी है। यदि आप शाम में रुचि रखते हैं तो इसे एक साथ देखें। इसी समय एक हिटमैन प्रकट हुआ। सौभाग्य से रॉकेट टीम के गार्डों ने हत्यारे से निपटने के लिए तुरंत अपनी तलवारें फेंक दी। और हत्यारे का उद्देश्य पेरिस में अकाल झेलना है। राजा द्वारा बांटा गया भोजन खराब हो जाता है। बेघर लोग अलग तरह से विरोध करते हैं। जब राजा को कहानी का पता चला तो उसने कप्तान को राल को विद्रोही सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। फिर अपने मातहतों को भेजकर दंगाइयों को जिंदा जला दो। छोटा राजा हर चीज को लेकर बहुत शंकित था। उन्होंने बेंच के मंगेतर को सीधे अग्रिम पंक्ति में भेज दिया और उसके लिए सबसे खतरनाक जगह पर रहने की व्यवस्था की। मंगेतर गलती से एक बम की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता माइक बेहद दुखी थे। उन्होंने देश को आग के समुद्र से बचाने की तैयारी के लिए 3 छाया हथियारों और जनरल को एक बैठक में बुलाया, साथ ही बेटे का बदला लेने के लिए भी, लेकिन जनरल ने मना कर दिया। चूंकि वह कुलपिता था इसलिए उसने निष्ठा की शपथ ली, लेकिन असल में उसका राजा से भी कुछ रिश्ता था। इस समय पुजारी ने कोई दिखावा नहीं किया। यह एक बड़ा युद्ध था इसलिए विद्रोही सेना का नेतृत्व राव कर रहा था। तीनों तलवारबाज जिनकी राय जनरल के समान थी गुस्से में चले गए। फिर पुजारी द्वारा जेल में लाए गए 3 तलवारबाजों की घटना भी फिल्म की शुरुआत में हुई। लोहे का मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति ही देश को बचा सकता है क्योंकि वह राजा का जुड़वां भाई है। इस शख्स ने 6 साल जेल में बिताए। जब उसे रिहा किया गया तो उसे राजा बनने के लिए कहा गया। पुजारी ने बताया कि उसी साल रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन राजा लुई 13 ने सिंहासन के लिए युद्ध टाल दिया, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को गुप्त रूप से ग्रामीण इलाकों में पालने का आदेश दिया। लेकिन 6 साल पहले उन्होंने अभी साइन अप किया था। वह सिंहासन पर अपने भाई के प्रभाव को लेकर चिंतित था। आपको अपने लिए मास्क पहनने के लिए किसी को भेजना चाहिए और फिर उसे जेल में डाल देना चाहिए। इधर आओ नाजायज हरामी भाई। पुजारी के नेतृत्व में 3 तलवारबाज राजकुमार को बदलने की एक योजना का उपयोग करना चाहते थे ताकि गुप्त रूप से उसके भाई को सिंहासन पर बिठाया जा सके। उन पर राष्ट्रीय नियति है। उसके बाद तलवारबाज ने नकाबपोश को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्हें एक राजसी नाम भी दिया, डिकैप्रियो। इंगित करता है कि अब से जीवन भर शांति रहेगी। डिकैप्रियो ने राजा के व्यवहार के हर भाव को सीखना शुरू कर दिया। तलवार चलाना, घोड़ों की सवारी करना, ऊंची एड़ी पहनना और चलना, यहाँ तक कि गिलास को पकड़ने के लिए भी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें। लेकिन माफी मत मांगो, क्योंकि राजा कभी गलती नहीं करता। उसे बस एक अभिव्यक्तिहीन चेहरा चाहिए, बिना एक शब्द कहे। पलक झपकते ही शाही जलसे का दिन आ गया। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अच्छा अवसर है। चूंकि उत्सव के दौरान सभी ने मुखौटे पहने हुए थे, इसलिए 3 तलवारबाज डिकैप्रियो को चुपचाप अंदर ले गए। डिकैप्रियो ने पहली बार अपने भाई को देखा। रानी के साथ नाचते राजा की केवल ठंडी अभिव्यक्ति। पलक झपकते ही राजा को एक मुखौटा नजर आया, फिर तुरंत गायब हो गया। अगला 2-3 राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नकाबपोश आदमी कुछ ऐसा था जिसे उसने जीवन भर छिपाकर रखा। यह वह था जिसने अपने भाई को बंद करने का आदेश दिया था। अप्रत्याशित रूप से राजा निराश होकर कमरे में लौट आया। तीनों तलवारबाज गुप्त रास्ते से होते हुए शयन कक्ष की ओर चले गए और राजा को मार गिराया। जब उसे होश आया तो डिकैप्रियो ने उससे अपनी पहचान बदल ली। उसके बाद डिकैप्रियो ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और प्रॉम में लौट आए। पार्टी के दौरान लड़का परेशान था, क्योंकि यह पहली बार है कि वह राजा बनने का नाटक कर रहा है। एक मोटी लड़की लापरवाही से गिर गई, लड़के ने झट से उसे उठा लिया। परिणाम ने सभी को चौंका दिया क्योंकि असली राजा ऐसा नहीं करेगा। जनरल ने तुरंत लोगों को महल की नाकेबंदी करने के लिए भेजा। इस समय जुत्सु के राजा को बांधने वाले 3 तलवारबाज भाग गए। कुछ लोग नाव पर चढ़ गए, लेकिन सिपाहियों ने आकर रास्ता रोक दिया। जनरल ने शाही राजा को बदलने की धमकी दी। दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई होने लगी। तीनों तलवारबाजों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
अंततः राजा की जगह सेनापति ने ले ली। शाही राजा का भाई असली राजा की हथेली में आ गया। भले ही वह दो लोगों को जन्म देने वाली माँ ही क्यों न हो, मदद मांगना व्यर्थ होगा। डिकैप्रियो के भाई को एक बार फिर जेल के सबसे निचले हिस्से में भेज दिया गया। दूसरी ओर तीनों तलवारबाजों ने अपनी भुजाएं पार कर ली और वे बंधे हुए थे। दिखावा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें आसानी से डिकैप्रियो मिल गया। लेकिन इसी समय जनरल अचानक प्रकट हो गए। तीनों तलवारबाजों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से जनरल उनकी मदद के लिए आई। उन्होंने एक बार रानी को एक महान उपहार दिया, अपने जीन। किंग और डिकैप्रियो दोनों उनके जैविक बच्चे हैं, जनरल ने हाल ही में सोचा। उसने राजा को सहन किया। मैं अपने दोनों बेटों को एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहता। जैसे ही कुछ लोग जेल से बाहर आए, राजा ने तुरंत अपने सैनिक भेज दिए। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्हें बस बड़े दरवाजे को बंद करना पड़ा। लेकिन ये भी बेकार है, इस बार तो भागना मुश्किल है। डिकैप्रियो उनके नए मालिक बन गए हैं। राजशाही की रक्षा के लिए चारों ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। हर कोई मेरे लिए, मैं हर किसी के लिए। बंदूक टीम का सामना करते हुए चारों पीछे नहीं हटे, कदम दर कदम आगे बढ़े। राजा ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन लोग झिझके। तीन तलवारबाजों के बड़े होने की कहानी सुनने के बाद कोई द्रवित हो गया, लेकिन राजा के आदेश की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। धुएं के बाद भी चारों मजबूती से खड़े रहे और गिरे नहीं। यह पता चला कि जिन बंदूकधारियों ने सक्रिय रूप से अपने जीवन का बलिदान दिया, उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई। जनरल ने अपनी तलवार निकाली और श्रद्धापूर्वक उन पर तान दी। बाकियों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। यह समर्पण बिल्कुल सही था, जिससे राजा के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। डिकैप्रियो के साथ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए चाकू निकालना पड़ा। एक महत्वपूर्ण क्षण में जनरल ने उसे एक प्लेट बचाया। डिकैप्रियो ने राजा को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस समय जनरल अपने दो बच्चों को एक वसीयतनामा कहना चाहता था। अगर मैं मरने वाला नहीं होता तो मैं तुम दोनों को मुक्का मार देता। यहाँ तक कि उसके जैविक पिता ने भी उसे चाकू मारने की हिम्मत की। उसके बाद यह सब सिर्फ धूल था। इस बार राजा ने लोहे का मुखौटा पहना और जेल में बंद कर दिया गया। डिकैप्रियो के शासन के तहत राष्ट्र फिर से समृद्ध हुआ। बाद में लोग उन्हें राजा लुई 14 कहने लगे। फिल्म में सबसे भयानक चीज लुई 14 है।